Now, in a certain code, Zilokagi is coded for must have some money. Feka Soni is a code for he made good money. Ni Lo Da So is a code for he must be good. We So Zida is a code for be good, save grace. Which of the following is the code of must? Yeah, and it is the correct answer. C is the correct answer. Okay. Now, what does the code Z stand for? ZE stands for what? Z stands for save. Z stands for save. ठीक है, कैसे निकाल रहे हो बेटा? इसको क्या किया करो, इसको ऐसे इसमें उसमें अंदर से देख रहे हो कैसे रही जो दे रखे हैं सेंटेंसेस, उसको उसके भी अकॉर्डिंग, और प्लस आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मस्ट सेव सम मनी. ठीक है, तो ये हो गया. फिर आपका क्या आ गया, फे का सो नी, तो आपका हो जाएगा ही मेड गुड मनी. ठीक है, इसको करने का तरीका देखते जाओ प्रत्युष. ओके, ही मेड गुड मनी. फिर नेक्स्ट है आपका, ओके नेक्स्ट है आपका फेका सोनी के बाद नी लो डा सो. ठीक है, तो ही मस्ट बी गुड. उसके बाद से आपका आ गया वी सो जी डा इज बी गुड सेव ग्रेस. ओके, बी गुड सेव ग्रेस. अब बेटा इसमें आपके पास क्या है, आपको इसमें कॉमन ढूंढते जाओ. जैसे यहाँ पे मनी है, यहाँ पे मनी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है का. ठीक है, तो इसका मतलब मनी वुड स्टैंड फॉर का. ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट कॉमन देखो. नेक्स्ट वाला कॉमन देखोगे तो आपका यहाँ पे गुड है, यहाँ पे गुड है, और यहाँ पे गुड है. तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन देखोगे है सो. समझ गए कैसे देखते हैं? ओके, अब थर्ड का बताएं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, वो तो हो ही गया हमने, सो हो गया. अब grace of money may be coded as what? Grace of money may be coded as what? Ka da fe vi ka so, ja da vi ka vi yo. Exactly. देखो ऑफ कहीं पे भी नहीं है, ऑफ कहीं पे भी नहीं है. द क्लिंचर इज ऑफ, तो जी लो का गी नहीं हो सकता, फी का सो नी नहीं हो सकता, नी लो डा सो नहीं हो सकता, वी सो जी डा. एग्जैक्टली, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, का वी यो, क्योंकि यो इज अ न्यू कोड. बाकी कोड ऊपर दिए हैं तो वो कोड किसी न किसी वर्ड के लिए यूज हो रहा है. ऑफ के लिए एक नया कोड बनेगा एंड दैट कोड इज यो. ठीक है प्रत्युष? अब इन अ सर्टेन कोड ऑलवेज टू बी राइट. ठीक है, ऑलवेज टू बी राइट, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ऑलवेज टू बी राइट is coded as 4932. Right is also just. ये code है 9765 से. Come to terms is coded as 138. Okay, terms are just. Is coded as 016, and always is written as 74. So always is coded as 74. अब आप जल्दी से कोड करें. Which is the following is the code for come? तो कम ढूंढ लो कहाँ पे है. कम यहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है,
यानी कि यहाँ पे वो वाला नंबर यूज होगा जो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, 8, बिल्कुल सही, 8 इज द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज 86315? तो 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 315, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ओके। सो अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, यानी कि कम टू टर्म्स तो आएगा ही आएगा, तो कम टू टर्म्स कहाँ पे है देखना, कम टू टर्म्स यहाँ पे भी है, कम टू टर्म्स यहाँ पे भी है, यानी कि बी या डी में से एक आंसर सही है। चेक करके बताएं कि कौन सा सही है। बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज कम टू जस्ट टर्म्स। अब 5 देखो, आपका 5 जस्ट है, ठीक है, तो ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म्स डी, बिल्कुल सही। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑलवेज टू बी राइट? तो अब हम यहां से ढूंढ लेते हैं ऑलवेज, ओके, हैं ऑलवेज बी राइट, सॉरी कंट्रोल जी, ऑलवेज बी राइट, ओके, राइट यहां पे भी है, ओके, एंड ऑलवेज यहां पे भी है। तो अब आपको बताना है ऑलवेज बी राइट का क्या, राइट टर्म्स भी है, टर्म्स यहाँ पे भी है, टर्म्स यहाँ पे भी है, ऑलवेज बी राइट टर्म्स का आंसर क्या होगा? राइट दो जगह है तो कॉमन दोनों में देख लो, 9 है तो 9 तो आना ही चाहिए, तो बी या सी में से एक सही आंसर है। अब ऑलवेज को दो नंबर, ऑलवेज ऊपर भी है, ऑलवेज इज नीचे भी है, तो ऑलवेज को चला जाएगा 4 नंबर। अब 4 नंबर भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है। अब चाहिए ऑलवेज बी राइट टर्म्स, अब आपको चाहिए बेटा बी है आंसर, बी इज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द बुक। ऑलवेज बी, ऑलवेज और राइट तो हो गया, अब टर्म्स देखते हैं। टर्म्स आपका इसमें है, यहाँ पे टर्म्स है, ओके, और यहाँ पे टर्म्स है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, ये देखो बेटा 1 कॉमन है दोनों में, तो यानी कि 2419 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर राइट? अभी अभी डिस्कस किया था कोड फॉर राइट क्या होएगा, ए, बिल्कुल सही, अभी अभी ये डिस्कस किया था, ए इज 9। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज 6 रिप्रेजेंट? 6 यहां पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है, तो 6 रिप्रेजेंट्स व्हाट? दोनों में कॉमन देखो, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ देम? 6 वुड रिप्रेजेंट व्हाट? एग्जैक्टली, जस्ट, सो डी इज द करेक्ट वन। अब ये रहा आपके अगेन लेटर्स एंड सिंबल, H को लिखा है 3, I 7, T परसेंटेज K, हैश R 4, F डॉलर A 6, L 9, E एट द रेट M ऊपर वाला एरो J 2, B 5, Q कॉपीराइट U A। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज अ वावल, फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज अ वावल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, दे कोड्स आर इंटरचेंज, मतलब कॉन्सोनेंट का कोड पहले लिखोगे वावल का बाद में। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट इज अ वावल, उल्टा, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ वावल,
इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट लेटर इज अ वाउल, फर्स्ट और लास्ट दोनों ही वाउल है, बोथ आर टू बी कोडेड बाई द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर. अब आई आर एच एम ई जे, आई इज अ वाउल, जे इज अ कॉन्सोनेंट, यानी कि हमें पहला वाला लगाना पड़ेगा कंडीशन इसमें. तो जल्दी से करें, एक दो तीन चार हैं, ठीक है, चार के लिए चार मिनट दे रहा हूँ, चार मिनट नहीं दो मिनट दे रहा हूँ. 11 o'clock हो रहा है, 11:01, 11:02 तक, एंड लेट्स सी इफ वी गेट द आंसर्स विदाउट माय हेल्प. आंसर आया किसी का? बताएं, टेंथ का बताएं, टेंथ का क्या है? टेंथ का डी, ओके. इलेवेंथ का डी, ओके. ट्वेल्थ का ओके. एंड थर्टींथ का? थर्टींथ का बी सी है, क्योंकि थर्टींथ में क्या था, सेकंड वाला लगेगा. थर्टींथ में सेकंड वाला कंडीशन लगेगा, क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट है और एंड में वावल है. तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ द वावल. सो वावल का कोड 8 है, तो दोनों में 8 लगेगा. प्रत्यूष आया समझ में? कुणाल, एनीवन वांट्स अ एक्सप्लेनेशन की कैसे हुआ? देख बेटा, आई क्या है, आई पे जाओ. व्हाट इज आई? आई मेरा है कहां पे गया, 7, ठीक है. आर क्या है, आर है 4. एच क्या है, बस यही करना है, एच है 3, ठीक है. हाँ, देख के करना है, हाँ, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है. हाँ, वही तो कर क्यों नहीं रहे हो, आसान है तो. वाह. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्लीक व्हेन द वर्ड इज रिटन अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच वावल. तो सबसे पहले वावल्स को मार्क कर लो. ओके, वावल्स को मार्क कर लिया. ईच वावल बाय द सेकेंड लेटर फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेट. ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट में सेकेंड लेटर से वो क्या हो जाएगा, आपका जो उसके बाद आएगा उससे होगा. और उसके बाद से उन्होंने कहा है कि ईच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो गया बी एल एंड क्यू, इज सब्स्टिट्यूटेड बाई द थर्ड लेटर फॉलोइंग इट. ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन सा वाला सही होगा. बहुत इजी है. शाबाश, आंसर इज अ डी. ओ पी क्यू, देखना, ओ पी क्यू, फिर आई हो जाएगा आई जे के, यू हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, ई हो जाएगा ई एफ जी. अब कॉन्सोनेंट्स का थर्ड लेटर बी सी डी ई, एल एम एन ओ, ऐसे करके आपका आंसर आ गया. ना अब आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका जेड जेड, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, मल्टीप्लाइड बाय डी एफ गिव्स अस डी 96 पी डी सी एंड द आंसर इज 1716. तो 16, 17, 18, 19 करने के लिए दो मिनट टाइम हो रहा है, 11:05. ओके, 11:07 वी विल चेक द आंसर्स. ध्यान से करना. हिंट, सी तो दो है, सी तो टू है, देखो है. हाँ, मैंने क्या देखा बेटा, मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा और ये देखा, ठीक है. तो मुझे जहां तक लगा, या तो Z मेरा होगा 1 और F होगा 6, लेकिन 11 के साथ
196 तो ये 196 से आएगा नहीं। तो मैंने कहा फिर और क्या हो सकता है, तो 44 के साथ 9 लेंगे तो 9 4 36 3 कैरी ओवर, 9 4 36 प्लस 3 39, तो मेरे पास डी का भी वैल्यू आ गया। अब तो सब कुछ ही सॉल्व हो गया, जल्दी करो। अब आपके पास डी आ गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करके पी और सी निकाल, 3 4 12, हाँ बेटा 2 होगा, 3 4 12। फिर से देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या देखा, जेड और जेड देखा और 6 है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता जेड, ठीक है। तो मैं सीधा गया कौन मुझे यहाँ पे 9 दे सकता है, वो मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4 और 4, और यहाँ पे लिया या तो 4 आएगा जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये एफ है। अब 4 के साथ 6 कौन देता लास्ट में यूनिट डिजिट पे, 9, तो वो मेरा तुक्का सही बैठ गया, आंसर आ गया। चलो अब 1 मिनट का टाइम, ओके सो लेट्स चेक, z तो हमारा क्या आ गया 4, ठीक है, f हमारा आ गया 9 एंड 9 4 36, ये 3 आ गया, तो ये आ गया d आ गया 3। अब z d इज व्हाट 43, ठीक है, एंड देन zf इज व्हाट, zf इज अ 49, df इज व्हाट, df इज अ 39, 43। हाँ भाई मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 12 + 36 - 27, तो 12 + 27 गया तो 9, 12 + 9 = 21, हाँ मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखना बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है, पहले इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन ने कहा है ऑड और इवन देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब टी को ढूंढो, टी कहाँ पे, टी है इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो इट विल बी रिटन एज द आर माइनस वन एथ टर्म, ठीक है, तो एक टर्म पहले, तो टी का आंसर क्या आएगा, एस एक टर्म पहले, ओके उसके बाद से जे बोला है, जे इज ऑल्सो इवन, अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, एक टर्म पहले, तो एक टर्म पहले क्या है, बी, बिल्कुल सही, आई आ गया। अब 22 और 23 करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं। सबसे पहले एफ, एफ इज एन इवन नंबर, तो उसके पहले ई आएगा, सब में ही ई है, ई एक्स पी सभी सही होगा, एल तक सही होगा, 99% ओ भी सही होगा, 1 2 3 4 5, तो लास्ट वाला ही देख लेते हैं, आपका है एस, एस इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या बोला था, एंड में क्या आना चाहिए, एक आगे जाना चाहिए, एक आगे मतलब टी आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 22 का, ना ये ना एग्जैक्टली डी आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम जैसे सोम्या की तरह एलिमिनेशन का मेथड यूज करते तो एक्सप्लांट ऑड वन दिख रहा था उसको हटा देते,
लेकिन उससे आएगा नहीं, तो ए का चेक कर लेते हैं। फिफ्थ वन 1, 2, 3, 4, 5 बी है, बी इज इवन, मतलब एक आगे ए, यही सही है। अब ये होमोजीनियस का किया है किसी ने, होमोजीनियस का क्या आएगा, एच इवन है, इवन है तो कहां जाएगा, एक पीछे, सब में जीपीएन है, सब में जीपीएन है, जीपीएन पी सब में है, जीपीएन पी सब में है। अब यानी कि हम देखेंगे ये वाला फिफ्थ जी इज एन ऑड, ऑड में हम कहां जाते हैं, आगे या पीछे, आगे जाते हैं, राइट। तो एच यानी कि ये तीन है, अब हमारे पास उसके बाद से ई एन है, तो यानी कि हमें ये वाला लेटर चेक करना है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एन, एन हमारा क्या है, इवन, इवन में एक पीछे जाते हैं एम, यानी कि आंसर इज बी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग का खत्म एक्सरसाइज, ठीक है। कल मैं करवाऊंगा आपका नंबर सीरीज, ओके, इन दिस आई विल डू नंबर सीरीज एंड इन क्वांट आई विल डू परसेंटेज, ठीक है। एंड वेडनेसडे को व्हाट डू वी हैव, ऑफलाइन क्लास, एंड इन ऑफलाइन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लर्निंग पार्ट, यस, क्योंकि 75 क्वेश्चंस डिपेंड्स अपॉन आवर लर्निंग, ओके, सो उसको भी हमें स्ट्रांग करना है। तो आज के लिए यहीं पे जल्दी छोड़ रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो प्लेजर।